100 करोड़ की चिट्ठी बम को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। लगातार दूसरे दिन कल शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका बचाव किया। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और यह दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं है। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसे और कोई एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर? कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है सर? एक जैसा